नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। फिलहाल खबर के पीछे की खबर, खबर यह है गुजरात के 5000 किसानों ने इच्छा मृत्यु के लिए सरकार के पास आवेदन किया है। गुजरात के भावनगर जिले के 12 गांव की जमीन गवर्नमेंट ने जीपीसीएल कंपनी के लिए जबरदस्ती किसानों से ली। सरकार के इस कदम से उन 12 गांव के 5,259 किसान बेरोजगार हो गए और रस्ते पे आ गए। उन किसानों की जमीन सरकार ने जबरदस्ती सरकारी प्रोजेक्ट के लिए ली, ऐसा आरोप किसान कर रहे हैं। भावनगर के कलेक्टर हर्षद पटेल ने इस बात की पुष्टि की है कि ऐसे आवेदन उनके पास आए हैं। खबर के पीछे की खबर यह है, लैंड एक्विजिशन एक्ट के अनुसार यदि कोई सरकारी कंपनी या निजी कंपनी किसानों की जमीन किसी प्रोजेक्ट के लिए लेती है और 5 साल तक उसका उपयोग नहीं करती तो वो किसानों को वापस देनी होती है। जीपीसीएल ने ये जो जमीन ली वो 20 साल होने के बाद भी वैसी की वैसी पड़ी है, उसका उपयोग कंपनी ने अभी तक नहीं किया। किसान मांग कर रहे हैं कि हमारी जमीन हमें वापस दे और हमारी मुसीबतों से हमें छुटकारा दे। पिछले 20 साल से लगातार लड़ाई लड़ने के बाद भी जब किसी प्लेटफॉर्म से उन्हें न्याय नहीं मिला और किसी ने उनकी नहीं सुनी, अंत में उन तमाम किसानों ने इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन दिए। अब देखना यह है, देश का सबसे विकसित राज्य गुजरात, वहां किसानों की ये जमीन उन्हें वापस मिलती है या उन्हें अनुमति मिलती है इच्छा मृत्यु की। यह खबर के पीछे की खबर, देखते रहिए धोबी घाट।